हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। रज्जू के रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ इटालियन चिकन बिरयानी। तो उसके लिए मैंने लिया है चिकन, 2 किलो है ये। इसको मैंने अच्छे से धोकर साफ किया है, साथ में चावल है और फ्रेश क्रीम है अमूल का, दही है, घी, थोड़ा सा कोयला है, अदरक लहसुन की पेस्ट है, साथ में कॉर्नफ्लावर है, गरम मसाला है, काजू है, नमक है, ये मैंने प्याज कट कर ली है, और साथ में पुदीना है और हरी मिर्च है। पुदीना हमें कुछ ज्यादा मात्रा में चाहिए, क्योंकि हमें पुदीना थोड़ा सा पीसा हुआ डालना है और मिर्ची भी पीस कर डालना है थोड़ी सी। साथ में मैंने हरा धनिया लिया है, पुदीना लिया है, कस्तूरी मेथी, नींबू और मिर्ची ली है ग्रीन। साथ में गरम मसाला में तेज पत्ता लिया है और इलायची ली है 7 से 8 और दालचीनी ली है, शाहजीरा लिया है, लौंग और काली मिर्च ली है और साथ में थोड़ा सा विनेगर लिया है और साथ में ग्रीन कलर लिया है और साथ में केवड़े का एसेंस लिया है। तो हम सबसे पहले पुदीना, प्याज और मिर्ची इनको तल लेते हैं प्याज तेल में और साथ में थोड़ा सा काजू को भी भून लेंगे हल्का सा। तलने से पहले मैं चिकन को थोड़ा सा अदरक लहसुन नमक लगाकर इसको रख देती हूँ। तो सबसे पहले हम नमक डालेंगे, हमें नमक अच्छे से लगाना है, साथ में अदरक लहसुन की पेस्ट भी लगा लेंगे थोड़ी सी। उसके बाद कॉर्नफ्लावर, गरम मसाला, उसके बाद विनेगर 2 टेबलस्पून और ग्रीन कलर। हमें अच्छे से मिक्स करना है इसे, अच्छे से मिक्स करना है हमें इसको। देखिए हमारा पूरा चिकन ग्रीन हो चुका है। तो हम इसको अब रख देंगे और हमारा मसाला तल कर लेंगे और साथ में कस्तूरी मेथी भी डाल लेंगे। तो सबसे पहले हम काजू को भून लेते हैं अच्छे से। हमें हल्का हल्का ही भून लेना है इसे। देखो थोड़े से लाल हो चुके हैं थोड़े थोड़े, तो हमारे भून चुके हैं अच्छे से, तो हम निकाल लेंगे इसे। देखिए हमें ऐसे भूनना है। तो हमारे चावल अभी आधे पक चुके हैं, तो हम इसमें ऐड करेंगे केवड़ा एसेंस। तो हम इसे और थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। तो हमारे चावल पक चुके हैं, तो हम इसे छन्नी में निथार लेंगे। मैंने इसका गर्म पानी निकाल लिया है, तो हम इसमें अभी ठंडा पानी डालकर इसका टेम्परेचर कम कर लेंगे थोड़ा सा। अब मैंने इसे अच्छे से धो लिया है, तो अब इसमें मैं विनेगर ऐड करूंगी, जिससे हमारे चावल में अच्छे से फ्लेवर आ जाए। तो हमारा चिकन फ्राई हो चुका है, तो हमारा जो ये तेल है हम इसी को यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम तेल डालेंगे,
तो हमारा तेल गर्म है तो हम इसमें अदरक लहसुन की पेस्ट डाल देंगे। पहले हमें थोड़ी कम ही यूज़ करना है क्योंकि हमने पहले डाल दिया था थोड़ी सी। हमने जो प्याज मिर्ची और पुदीना का जो पेस्ट बना कर रखा था हम उसे ऐड कर लेंगे। हमें थोड़ा सा हल्का सा लाल भून कर लेना है ये मसाला। तो हमारा मसाला अच्छे से थोड़ा सा डीप फ्राई हो चुका है इसमें, तो अच्छा अच्छा लाल भी भून गया है ये। तो हम इसमें ऐड करेंगे ग्रीन मिर्ची। हमें इसे भी थोड़ा सा भून लेंगे। हमें इसे चलाते रहना चाहिए क्योंकि मिर्ची चिपके ना। जब तक हमारा ये रेड होता है हो जाए तब तक हम इसे हम कोयले को अच्छे से गर्म कर लेते हैं। तो हम इसमें दही ऐड कर लेंगे। इसके बाद हम कोथमीर, हरा धनिया और पुदीना ऐड कर लेंगे। गरम मसाला भी ऐड कर लेंगे। और साथ में नींबू का रस भी ऐड कर लेंगे। इसके बाद हमें फ्रेश क्रीम ऐड करना है। दो ग्लास इसके बाद हमें फ्राइड चिकन ऐड करना है। तो हमारा कोयला अच्छे से अब लाल हो चुका है तो हम इसे निकाल लेंगे। हमें घी का स्मोक देना है इसे। ये इटालियन बिरयानी की स्पेशलाइजेशन है जो कि सोने पे सुहागा है, ये नहीं तो कुछ नहीं। तो हमें इसे एकदम हल्के हाथों से अंदर रखना है। हमें आंच थोड़ी धीमी करनी है और इसे जैसे ही हमें घी डालना है, घी डालते ही हमें इसको ढक देना है ताकि हमारी स्मोक बाहर ना निकले। वाह, बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है, अब मुझसे तो रहा नहीं जा रहा है। तो हम इसे निकाल लेंगे। अभी देखते हैं। वाओ, बहुत ही बढ़िया खुशबू, शानदार पक चुका है हमारा आज इटालियन बिरयानी का मसाला। तो हम इसमें ऐड कर लेंगे थोड़ा सा नमक। ये कोल फिर से रखेंगे। हमें फिर से इस कोल को गर्म कर लेना है। हमें लास्ट में और एक बार इसे टचअप देना है। फिर से हम इसे गर्म कर लेते हैं अच्छे से। तो अब हम इसमें चावल ऐड कर लेंगे, राइस। हमें धीरे धीरे राइस को इसमें मिक्स करना है क्योंकि हमारे राइस टूट ना पाए। अब हमें इसमें ग्रीन कलर ऐड करना है।
ग्रीन कलर इसलिए यूज करना है, ग्रीन कलर हमें इसलिए यूज करना है क्योंकि इटालियन में इटालियन बिरयानी जब भी बनाए तब हमें ग्रीन कलर ही यूज करना है क्योंकि इसकी स्पेशल यही है खासियत। इसके बाद हमें धनिया, हरा धनिया और पुदीना यूज करना है। इसके बाद गरम मसाला, और तली हुई प्याज थोड़ी सी। फिर से हमें इसको कोयले को इस पर रखना है और थोड़ा सा फाइनल टचअप देना है। इसमें हमें घी डालकर इसे फटक से बंद कर लेना है। तो हमें फुल गैस करना है और 5 मिनट तक इसको पकाना है। तो हमारी 10 मिनट हो चुके हैं अब, तो देखते हैं हम। वाओ, बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। तो देखिए हमारी इटालियन चिकन बिरयानी रेडी हो चुकी है। वाओ, तो आइए आप भी। तो आज का वीडियो मेरा कैसा लगा ये